हे गाइस, नवनीत दिस साइड फ्रॉम टीम डेफोडिल्स। सो गाइस, मेरे साथ आज करण हैं, जिन्होंने अपने आईएलटीएस में डिजायर्ड स्कोर्स अचीव कर लिए हैं। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस करण। थैंक यू मैम। ओके, सो करण से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस डेफोडिल्स में कैसा रहा। सो कैसा एक्सपीरियंस था करण आपका यहाँ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम, ऐसे कि मैंने पहले भी कहीं और भी देखा था, पर वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी। वन ऑन वन स्पीकिंग होती है और डे बाय डे डिफरेंट हमें टास्क मिलते हैं, घर के लिए भी मिलता है, जिससे कि हम और भी इनकरेज करते हैं। प्लस ये हमें ADMs भी कराते हैं, जो मोस्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट में नहीं कराया जाता, और ये बहुत बेनिफिशियल है स्पीकिंग के लिए। और हमें डेली बेसिस पे क्यू कार्ड्स मिलते थे, हमें लिख के प्रैक्टिस करवाई जाती थी और करेक्शंस कराई जाती थी। ओके, सो करण, कोई ऐसा मॉड्यूल जो आपको बहुत टफ लगता था? वैसे तो मुझे सभी इजी लगते थे, पर स्पीकिंग में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। मैं नर्वस हो जाता था जब भी मैं स्पीकिंग देता था, पर विद द कन्वर्सेशन ऑफ टीचर्स, उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे करना है और कैसे अपने आप को फंबल नहीं होने देना, और उन्होंने बाय प्रैक्टिस मोर एंड मोर विद द हेल्प ऑफ माई टीचर्स मैं इनकरेज हुआ और मेरी स्पीकिंग अच्छी होती गई। और मैं स्पीकिंग में आज मेरे 6 ओवरऑल बैंड आए हैं। ओके, सो आपकी स्पीकिंग डे में एक बार होती थी या एक्स्ट्रा स्पीकिंग भी होती थी? डेली बेसिस पे तो होती थी, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा स्पीकिंग भी होती थी, जिसमें कि हम 2 से 3 बार और कभी कभी तो हम 5 times भी स्पीकिंग दे सकते थे, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर चीज है। ऑलराइट, सो करण, आप उन स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहोगे जो डिजायर्ड स्कोर्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं या स्टक हो रहे हैं किसी ना किसी मॉड्यूल में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको एक बार विजिट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है और हमें बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं। इवन हमें एक एक क्लास में 2-2 टीचर अवेलेबल कराए जाते हैं और 1-on-1 डिस्कशन होती है, और हमें एक्स्ट्रा भी टाइम दिया जाता है क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए और अच्छे से चीज़ें समझने के लिए। थैंक यू। ऑलराइट गाइज, अगर आपको भी किसी भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है IELTS, PT या TOEFL में, तो एक बार जरूर विजिट करो डेफोडिल्स, क्योंकि यही है राइट चॉइस।